गुड इवनिंग हिमाचल। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में भी कोविड को लेकर पहले चरण का टीकाकरण किया जाएगा। यहां बनाए गए प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल में ये टीकाकरण होगा। आईजीएमसी अस्पताल टीकाकरण को लेकर केंद्र से भी सीधे तौर पर ऑनलाइन जुड़ा रहेगा। वेब तकनीक के जरिए टीकाकरण को पीएम मोदी सीधे मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईजीएमसी में वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात करेंगे। आईजीएमसी अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्या करना चंबा शहर के पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द अनधिकृत तरीके से सजी रेहड़ी फड़ी हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम को सब्जी विक्रेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस कार्यवाही का विरोध करते हुए सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद की टीम के साथ उलझते हुए अभद्र व्यवहार कर डाला। इस कारण मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण होकर रह गया। नगर परिषद की टीम सदस्यों व सब्जी विक्रेताओं में पुलिस की मौजूदगी में खूब तू-तू मैं-मैं हुई। सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद पर बेवजह तंग करने का आरोप जड़ा। मौके पर पहुंचे सदर पुलिस थाना टीम के प्रभारी ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। भाजपा समर्थित प्रस्तावित नगर परिषद पौंटा के उपाध्यक्ष पद को मीनू गुप्ता ने ठुकरा दिया है। इसके बाद अब भाजपा समर्थित नगर परिषद पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। उपाध्यक्ष पद लेने को लेकर मीनू गुप्ता ने कहा कि उन्हें लंच के बहाने बुलाया गया था और बिना उनकी स्वीकृति के उपाध्यक्ष पद देने और भाजपा में शामिल होने की बात कही गई। बता दें कि पिछले मंगलवार को ही ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने नगर परिषद पौंटा में भाजपा समर्थित निर्मल कौर को अध्यक्ष व मीनू गुप्ता को उपाध्यक्ष घोषित किया गया था। बता दें कि तीन निर्दलीय प्रत्याशियों में जीत कर आई वार्ड नंबर 9 से मीनू गुप्ता को आज ही भाजपा में शामिल होने की बात कही गई थी। ओल्ड डीसी ऑफिस सोलन की पहली व अंतिम मंजिल में दरारें पड़ने से अनहोनी होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक पेड़ है जिसके बढ़ने के कारण ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। इससे लोगों में कुछ दुर्घटना होने का डर बना रहता है। यही नहीं, यहाँ की अंतिम मंजिल में गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं जिसका विपरीत असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। यहाँ काम करवाने आए लोगों ने डीसी सोलन से मांग की है कि ओल्ड डीसी ऑफिस की मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जाए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं 4 वर्षों से लाइब्रेरी में आता हूँ। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग में जो हालात है दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर आप इसके लास्ट फ्लोर की बिल्डिंग में जाएंगे तो छत के शरीये साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अथाह गंदगी का ढेर कई बार आपको देखने को मिलता है जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये साफ तौर पर खिलवाड़ है। मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए जो कि एक जायज़ डिमांड है। अतः मैं सोलन के डीसी साहब से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा अपना कीमती समय इसकी मेंटेनेंस पे दिया जाए और डीसी साहब का मैं सबसे बड़ा आभारी रहूँगा, थोड़ा सा अपना कीमती समय इस पर दिया जाए। इंदौरा के मीट विक्रेता दुकानदारों के लिए नया साल मुसीबत लेकर आया है। जिला प्रशासन द्वारा बर्ड फ्लू के चलते प्रतिबंध लगाने के बाद मीट विक्रेता दुकानदारों को अब खाने के लाले पड़ गए हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अगर पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं तो हमारी दुकानों को 9 दिन से बंद क्यों रखा गया है। दुकानदारों ने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द इस फैसले को वापस लेकर मीट की दुकानों को खुलवाया जाए। रमन कुमार मोटरी रैंप पर दुकान हमारी, ठीक है जी। तो काम तो भाई नहीं है, काम तो पहले से ही बंद हुआ है। पहले कोरोना काल में बंद था, अब बर्ड फ्लू का रोना पड़ा हुआ, उसके कारण बंद हो गया। काम धंधा रहा नहीं कोई भी, हमारी रोजी रोटी इसी के ऊपर ही चलती थी। अभी और दुकानें बंद करके बैठे हैं, तुम्हारे सामने देखो दुकानें हमारी बंद है, सभी जारी जुड़ी सभी इतनी पड़ी हुई है। हमें इस बार फिर भी जारी था कि हमारे काम धंधे के बारे में कुछ सोचा जाए। नमस्कार, मैं अमित कुमार सुजनपुर से बोल रहा हूँ। मेरी मीट शॉप की दुकान है कि जो मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि जो मीट की दुकानें बंद की हुई है जहाँ पे कोई भी ब्लड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं, आप कृपया करके इन दुकानों को खुलवाएं और यहाँ से ही सारी सप्लाई पठानकोट वगैरह इंदौरा की सप्लाई जा रही है, कांगड़ा में इंदौरा से सप्लाई जा रही है।
तो आप हम पे ही क्यों प्रतिबंध लगा रखा है, कृपा करके मरीज को आने खुलवाई जाए। मैं ठाकुर सिंह डमटाल में चिकन विक्रेता हूँ। मैं हिमाचल सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम ये यहाँ से ही जो मुर्गे अंडे जो है वो मुर्गे जो है डमटाल और इंदौरा से बाहर की डिस्ट्रिक्टों को जा रहे हैं, जिलों को जा रहे हैं, तो हमारे पर ये पाबंदी क्यों है? हम हजारों आदमी भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। कृपा, मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कारो दुकानें बंद करें, जल्दी से जल्दी खोली जाए। साहब पंचरुखी चौक से बेतरती वाहनों और सड़क पर सजी दुकानों को पीछे करवाएं, अन्यथा यहां हादसे का सामना करना पड़ सकता है। यहां वाहनों के जाम लगने से मिनटों का समय घंटों में तब्दील हो रहा है। आलम यह है कि पंचरुखी बाजार में जाम आम हो गया है। पुलिस कर्मी वाहनों को हटाते हैं, परिस्थिति विकराल बनी रहती है। यहां एक और कुछ दुकानें सड़क में जमी हुई हैं, जो सड़कों को सिकोड़े हुए हैं। पुलिस भी बाजार पहुंचती है, पर लोग समझने को तैयार नहीं है। हमीरपुर जिला में बर्ड फ्लू की संभावना को देखते हुए फॉरेस्ट विभाग ने पंचायत स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिया है। जिला के सभी 15 फॉरेस्ट ब्लॉक में सर्विलांस टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1077 भी जारी किया गया है, ताकि लोगों को जहां कहीं भी जंगली पक्षी मृत मिले तो वे समय पर संपर्क कर सकें। हालांकि जिला में अभी तक बर्ड फ्लू से किसी भी पक्षी की मौत नहीं हुई है। फॉरेस्ट विभाग के रेंज ऑफिसर, बीओ और गार्ड लोगों को पंचायत स्तर पर जागरूक कर रहे हैं।